आइए दोस्तों जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेदव्यास के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास का जन्म भी इसी दिन को हुआ था। बहुत सारे वेद पुराण की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास को सभी मानव जाति गुरु मानते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा होती है तथा उनके साथ साथ सभी अपने गुरुजनों का पूजन वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन महर्षि पाराश भ्रमण के लिए निकले। वहां नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह सुंदर स्त्री एक मछुआरे की कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती दिखने में बहुत ही आकर्षक और सुंदर थी, परंतु उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। सत्यवती को देखकर ऋषि पाराशर का मन विचलित हो गया। ऋषि ने सत्यवती से संतान उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट की तो सत्यवती ने कहा कि समाज की दृष्टि से यह तो अनैतिक होगा, मैं इस तरह कैसे संतान उत्पन्न कर सकती हूँ, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, मैं इस तरह संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ। तो ऋषि पाराशर ने कहा कि यह संतान कोई ऐसी वैसी संतान नहीं होगी, यह आने वाले समय में बहुत महानतम कार्य करेगी। इस बात को सुनकर महर्षि पाराशर से सत्यवती ने कहा कि मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। ऋषि पाराशर बोले, कहो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। तो सत्यवती ने कहा, पहली शर्त, जब हम दोनों साथ हों तो हमें कोई ना देखे। दूसरी, संतानोत्पत्ति के बाद भी हमारी कौमार्य भंग ना हो। तीसरी शर्त, उन्होंने कहा कि मेरे शरीर से जो मछली जैसी गंध आती है वह बदलकर फूलों की गंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि पाराशर ने कहा, ऐसा ही होगा। समय आने के पश्चात सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। व्यास जी जन्म लेते ही युवा हो गए और तब के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। यही कृष्ण आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए और कालांतर में अपनी माता सत्यवती के कहने पर विचित्र वीर की दोनों रानी एवं दासी सहित तीनों को अपनी योग एवं तपोबल से संतान दी, जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदर के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास का नाम वेद के लेखन के कारण वेदव्यास पड़ा। वेदव्यास जी ने 4 वेदों के साथ साथ 18 पुराणों की भी रचना की। उसके साथ साथ ब्रह्म सूत्र का भी निर्माण किया। वेदव्यास जी के कथनानुसार ही गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, मेरी इस कहानी के माध्यम से आपको मई गुरु पूर्णिमा के बारे में, महत्व के बारे में कथा सभी जानकारियाँ दे पाई होंगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो ऐसी कहानियाँ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कहानी को अंत तक सुनने के लिए, गुरु पूर्णिमा के बारे में जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने गुरु का सम्मान करें और कल के दिन उनको उपहार में कुछ न कुछ भेंट में ज़रूर दें। अपने गुरु का सम्मान करें। धन्यवाद।